दोस्तों अज एक बार फिर आपां कोट कपूरा का जिहड़ा एस आई टी क्वाश की हाई कोर्ट ने और जो दे आफ्टर इफेक्ट्स होए ने उहदे ते मैं तुहाडे नाल विचार सांझे करना चाहुंदा। आ हाई कोर्ट की एक बहुत वड्डी जजमेंट मेरे हाथ विच है और दुख सिर्फ इस गल दा वा कि हाई कोर्ट ने पिछले पौने तीन साल की इन्वेस्टिगेशन नूं एक झटके विच रद्द तां कर दिता, क्वाश कर दिता, लेकिन सानूं अल्टरनेटिव नहीं दिता उन्होंने कि अगर फर्ज करो फलां पुलिस ऑफिसर जिहड़े दोषी करार दिते सी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, अगर वो दोषी नहीं गए, अगर बादल का परिवार तुसी कहने कि असी क्लीन चिट देता, हालांकि उन्होंने कोई अर्जी नहीं सी दित्ती, पर तुसी कहने हो कि बादल परिवार दोषी नहीं गा, तो फिर दोषी कौन है? अक्सर 6 साल पहला 2015 दे विच अनेक किस्से जिहड़े सीगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दे होए, लोगों ने बुरज जवाहर सिंह वाले तो लैके सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पत्रे इस तरह रोले कि नफरत की भावना पंजाब दे विच फैले ते इत्थे दंगे होण। किसी ने तो बेअदबियां कीतियां सी ना, और जो ये बेअदबियां तो बाद लोगों ने इंसाफ की पुकार लाई और रोज़ मुजाहरे किए पीसफुल शांतमई ढंग दे नाल, चाहे वह कोटकपूरे का सी चाहे बैबल कला सी, उत्थे फिर गोलियां चलियां ने। 14 अक्तूबर की तड़के पहला गोली चलती है कोटकपूरे, उत्थे हफड़ा दफड़ी मचती है, लाठीचार्ज हुंदा, चंगे चंगे साधु संत संप्रदावां दे लोग जिहड़े पाठ कर रहे सी भुंजे बैठे, उन्हां दे उत्ते बहुत बेरहमी दे नाल लाठीचार्ज होया, पानी दीआं बुछाड़ां मारियां गईआं और एक अजीत सिंह नामी व्यक्ति दे चूल्हे विच गोली लगी, जिहड़ी कि हुण जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन ने खुलासा किया 2017-18 दे विच। और उस तो बाद पुलिस ने जाके बैबल कलां जिहड़ा कि एक लिंक रोड दे उत्ते लोग बैठे सीगे, उत्थे जिहड़े लोग पाठ कर रहे सीगे, उत्थे शांतमई प्रोटेस्टर्स दे उत्ते गोली चला के दो जिहड़े सीगे सिख नौजवान मार दिते, कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह। अक्सर उत्थे गोली चली आ और उस वक्त की सरकार जिहड़ी सुखबीर बादल होणी कहिंदे ने हुण बड़े छातियां चौड़ियां करके इस हाईकोर्ट के फैसले का सहारा ले रहे ने, इन्हां नूं शर्म नहीं आउंदी कि तुहाडी पौने 2 साल सरकार रही, 1.5 साल 2015 दीआं बेअदबियां ते बैबल कला दी गोली तो बाद। अगर तुसीं कहिंदे आ कि असीं वाकई पंथक सीगे, अकाली सी और असीं इंसाफ पसंद सी, असीं गुरु साहिब दा सत्कार करदे आ, तां फिर तुसीं दोषियां नूं फड़िया क्यों नहीं उस टाइम दे विच, और तुसीं अपनी FIR ते झात मारो, तुसीं जिहड़ी बैबल कला दे विच दर्ज कीती ते कोटकपूरे अणपछाते बंदियां दे खिलाफ तुसीं FIR दर्ज कीती आ, जदकि सब नूं पता वा कि किस ने कतल किया, सारी पुलिस की एक एक गोली अकाउंट फॉर होती है, हथियार जिहड़े ने ऑन रिकॉर्ड ने, पर तुसीं उहनां नूं दोषियां नूं जाण बुझ के हिफाजत की, इत्थों तक कि तुसीं सुमेध सिंह सैणी दे अगे गोडे टेक के उस जिहड़ा आदमी सिख नौजवानां दे इनकाउंटरां दा स्पैशलिस्ट सी उहनूं तुसीं DGP लाया, फिर उहदे आखे तुसीं गोली चलाई कोटकपूरे ते उस तों बाद बैबल कला दे विच चली आ। इह गल दा खुलासा जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट विच जिहड़ा प्रकाश सिंह बादल ने तड़के 2 बजे फोन किया DGP नूं उस तों बाद हुंदा वा। इसलिए सानूं दुख होया इस फैसले नूं पढ़ के सुन के, क्योंकि हाईकोर्ट अमूमन मेरे दे उत्ते हुण इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ED ने रेड किए हुए आ, असीं हाईकोर्ट गए हाँ, लेकिन हाईकोर्ट या कोई भी सुप्रीम कोर्ट किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जांच नूं नहीं रोक सकते, रोकते ही नहीं गए। असीं भी तां कह रहे हैं, मैं तां कहिंदा कि मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, मेरे कोल जिहड़ा फाजिलका का केस चक्या उहदे च सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोसीडिंग स्टे कीतियां, पर ED ने उही FIR चक के मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पर हाईकोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं रोक रहा, क्योंकि असीं इन्वेस्टिगेशन नहीं रोक सकते। तो इस केस विच तां मेरे वीरों ते भैणों 9 चलान पेश हो चुके सीगे फरीदकोट की अदालत में, पौने 3 साल की तहकीकात सी, हज़ारां सफ़ियां की चार्जशीट चलान पेश होए ने, सारा कुछ ही रद्द कर दिता। जे तुहानू लगता सीगा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह पार्टीजन ऑफिसर आ, किसी नूं फायदा दे रहा, किसी का नुकसान कर रहा, तो तुसीं पंजाब सरकार नूं इह हदायत दे दिंदे कि तुसीं जिहड़ा SIT का मुखी है इस नूं तब्दील करके किसी होर अफसर नूं तुसीं ला दिओ, पर तुसीं सारा कुछ छिक्के दे उत्ते टंग दिता। कदी ये सोचा फैसला करन वालिया ने कि इहदे नाल किन्ने लोगों के जज्बात जुड़े हुए ने? गुरु ग्रंथ साहब कौन आ? गुरु ग्रंथ साहब एक साडा शब्द गुरु आ, जिदा आपां सादी जुबान करिए साडा प्यो आ, ते जे साडे प्यो नूं साडे पंजाब दे विच 6 साल इंसाफ नहीं मिलना, तो फिर अंदाजा ला लो कि आ जिहड़े आपां निक्के मोटे इंसाफ भालदे फिरदे आ तुहानूं कदी नहीं मिलणगे। और दूजी दुख की गल है कि बादल परिवार ने तो उत्थे कोई अर्जी दित्ती नहीं सी, वो तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन में पार्टी नहीं सके, उन्होंने क्लीन चिट बिना किसी मंगे उन्होंने कहता कि जी ये क्लीन चिट दी जाती बादलों का, ये कोई दोष ही नहीं गा, फिर दोष किसका वा?
घट्टो घट गुरु नानक नाम लेवा जिहड़ा करोड़ां दी तादाद विच दुनिया भर च इस ते निगाह टिकाई बैठे सीगे कि सानू इंसाफ मिलेगा, उन्हां दा की बनूगा, कौन देवेगा उन्हां नू इंसाफ। मैं अपने किसान भरावां नू कहना चाहुंदा, देखो गल इह आ कि अज आपां तीन पक्ष देख के चल लईए। तुहाडा पहला पक्ष लैणे किसानां दा कि तुसीं कहिंदे साडी आर्थिक लड़ाई आ, सानू साडियां फसलां दे भाव ठीक नहीं मिल रहे, साडा मंडीकरण उड़ाता, साडियां असीं गुलाम हो जाएंगे। पर याद रहे कि जिस सरकार जिहड़ी सरकार तुहानू धार्मिक न्याय भी नहीं देण नू तैयार, तुहाडा धर्म, तुहाडा इष्ट, तुहाडा प्यो गुरु ग्रंथ साहिब, जे इस नू इंसाफ नहीं मिलेगा तो यह जिहड़ा दिल्ली विच आपां बैठे हाँ ना, मत उम्मीद करो दिल्ली की सरकार तो कि तुहानू कदी इंसाफ देणगे। इत्थे तां पंजाब विच साडी भूमि भी साडी आ, सरकारां भी साडियां ने, इत्थे इंसाफ नहीं मिल रहा तो उत्थे दिल्ली आपां भालदे उहनां दे कोलों। दूसरा पक्ष सियासी जिहड़ा इस वक्त पंजाब देश का, एक गल अच्छी तरह समझ लो कि जदों दी इह सरकारां बणियां खास तौर पर बीजेपी दियां, इन्हां ने तुहाडे सारे अधिकार खोले ने स्टेट्स तों, तुहाडे पल्ले कुछ नहीं छड्डिया, तुहाडा मंडीकरण खोलिया वा, तुहाडे को टैक्स की प्रणाली GST वन नेशन वन टैक्स करके तुहाडे को सारा GST ते टैक्सेशन दे अधिकार खोले ने। तुहाडे कोल जिहड़ा तुहाडी रेवन्यू आउंदी सी फसलां दी खरीदो फरोखत तों, कणक झोने दी मंडीकरण तों, उह तुहाडा रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा उन्होंने तुहाडे को खोलिया। साडे कोल साडी विद्या खोली हुई आ, असीं पढ़ा नहीं सकते अपनी मर्जी नाल, कौन साडे गुरु सीगे, साडा की इतिहास सीगा, किहनां किहनां लोकां ने इत्थे कुरबानियां दित्तियां, कित्थे कित्थे खून डुल्लिया, किहड़े किहड़े घल्लूघारे होए, असीं कुछ पढ़ा नहीं सकते मर्जी दे नाल। साडी एजुकेशन दा जिहड़ा सारा सिलेबस हैगा उह दिल्लियों बणिया बणाया आउंदा वा, साडे लेबर लॉज दिल्लियों आउंदे ने, मनरेगा वगैरह, साडे जिहड़ियां म्युनिसिपल लॉज ने, साडा जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड आ, साडियां जिहड़ियां सड़कां कित्थे बणनियां ने, सारा कुछ उन्होंने अपने कोल जकड़ लिया वा। और सूबियां दे अधिकारां दे उत्ते बहुत वड्डे डाके पए ने, जम्मू कश्मीर दे दो टुट्टे कर दित्ते, बहुत माड़ी गल की, सारे देश की उस वेले पोलीटल जमात ने उन्होंने सपोर्ट की, एवं डरदिया ने आ हूँ दिल्ली के सारे सरकार के अधिकार खोले ने, जे जे फिर वोटा कहते नहीं पवाने, जे सारिया चुनिया हुई सरकार के अधिकार ही खो के अपने को ले जाने, फिर वोट ना पवो, फिर डायरैक्टली LG तो गवर्नर्स कह दो कि तुम साढ़े स्टेटा च रहोगे, तुम साडे एजेंट हो, चुनी हुई सरकार की सानू कोई लोड़ नहीं। सो मैं तीन उदाहरण दिते ने, धार्मिक न्याय, सियासी न्याय, आर्थिक न्याय, तीनों आपां मंग रहे पंजाब दे विच, लेकिन तिन्हां नू सानू देण नू तैयार नहीं गा। इसलिए मैनू तां बहुत दुख होया, और पिछले 48 घंटे जदों दा फैसला डिटेल्ड विच आया, जिहड़ा जिहदे च उन्होंने साफ कर दिता कि बादल बेगुनाह ने, पुलिस वाले बेगुनाह ने, असी सारी जिहड़ी SIT भंग करदे आ, नवें सिरे तों जांच होवेगी, मैनू नहीं पता पंजाब सरकार की करेगी। सुप्रीम कोर्ट जांदी आ कि नवीं SIT बना के एक महीने के अगर चाहन तो अभी दोबारा तहकीकात करके सारा चलान सारे तत् सामने आए हुए हैं। जस्टिस रणजीत सिंह कमिश्न की रिपोर्ट तुहाडे कोल पई आ, ते तुसी उहदे च फरीदकोट विच इन्हां गुनाहगारां नूं दोबारा इन्हां दे चलान पेश करो, करदे नहीं करदे मैनू नहीं पता, लेकिन मूक दर्शक बन के बैठे रहना तुसीं या मैं आपां सारे, तो फिर अपनी कोई कहिंदे हुंदे कि अपनी कोई अपना कोई वकार नहीं गा, फिर तो बैठे हाँ आप, रोटी पानी खाने, गड्डिया मोटर च घूमते हैं, सौने, उठते हैं, जागते हैं। इसलिए मैं इस गंभीरता ना लेंदे हुए कुछ चंगे सज्जणा दे नाल असी गल की है। अज चंडीगढ़ विखे असी एक मीटिंग रखी है जिहदे विच असी 12-13 कुछ जथेबंदियां, कुछ इस तरह के सत्कारयोग लोग जिन्होंने इस अपने सूबे ते अपनी कौम वास्ते कुरबानियां दित्तियां ने, मैंने खेस लोग जिहड़े इंसाफ पसंद लोग ने, उन्हां दा एक 12-13 आदमियों का एक इकट्ठ रखिया अज, उहदे ते असीं चर्चा करांगे सारिआं नाल सहमती नाल, जो अगला प्रोग्राम होवेगा वह उलीक के तुहाडे जिहड़ा संगत दे चरणां दे विच जां तुहाडे सन्मुख असीं रख देंगे कि आपां की करना वा। ठीक है कानूनी लड़ाई एक आ, पर याद रहे एक इकल्ला कानून की टेक्निकैलिटीज़ का मसला नहीं गा, ये साडे गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबियां, तो साडे नौजवानों के कतल, तो ये साडे जज्बात, साडे नाल साडे सेंटीमेंट्स, साडे जिहड़े सीगे साडे ना सिर्फ धार्मिक जज्बात पर साडे हर वर्ग के लोगों के ये नाल जज्बात ते सोच जुड़ी हुई है, तो इसलिए असी अज मीटिंग करांगे, देखते हैं मीटिंग विच की कंसेंसस उभर के आउंदा वा। असी लीगल टेक्निकैलिटीज़ नहीं जाना, एक काम सरकार का वा, वो चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट में, SIT दोबारा बनावे, पर असी ये उत्ते की कर सकते हैं।
ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੀਏ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਝਟਪਟ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਹਿਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ DC SSP ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਡੋ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਐਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਜਸਟਿਸ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਊਟ ਹੇਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ